साधु जी, ओ साधु जी, बागेश्वर धाम की सन्यासी बाबा की, दोनों हाथों की मुट्ठी बांधो, सब ऐसे बांधो। जिनकी अर्जी नहीं लग पाई, मिलना नहीं हो पाया एवं नजदीक नहीं आ पाए, जो जहां खड़े हैं बैठे हैं, एक दो अर्जी ऐसी बीच में आई थी, चूंकि व्यस्तता हो गई थी कि सुबह से भोजन नहीं किया अर्जी को लेकर, हमारी प्रार्थना है ऐसा कठोर तप मत किया करो। और बैठे बैठे आपने फिर ये भी कहा कि आप सबकी सुन रहे, हमारी नहीं सुन रहे, ये बालाजी के ऊपर है, उनकी प्रेरणा से अर्जी लगती हैं। और पुनः कभी हम नीरज को आज्ञा देंगे तो यहां पर कथा करेंगे और दरबार लगाएंगे। अब आज से गुना वाले हमारे हो गए हैं, हैं? कौन कौन हो गया है बताओ? भारत हिंदू राष्ट्र की। तो भारत हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए कि नहीं? तो कौन कौन तैयार है हमारे साथ? धन्यवाद। अब दोनों हाथों की मुट्ठी बांध लो, हम अर्जी लगा दो। कहो, हे बागेश्वर धाम प्रभु, हे बालाजी, हे सन्यासी बाबा, हे कलयुग के राजा, हम पर कृपा करो, हम पर दया करो, हमारी अर्जी सुनो। हे बागेश्वर बालाजी, हे सन्यासी बाबा, आजीवन पर्यंत आपके चरणों से, आपके धाम से, आपके दरबार से हम जुड़े रहेंगे, हम आते रहेंगे, परंतु हमारी अर्जी सुनो, हमारी अर्जी सुनो। आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। नेत्रों को बंद करके हमारे साथ कहेंगे, ओ बागेश्वराय नमः, ॐ बागेश्वराय नमः, ॐ बागेश्वराय नमः, ओम हम हनुमते नमः, ओम हम हनुमते नमः, ओम हम हनुमते नमः, ओम सन्यासी देवाय नमः, ओम सन्यासी देवाय नमः, ओम सन्यासी देवाय नमः। जिन भक्तों की अर्जी नहीं लग पाती, मिलना नहीं हो पाता, अगर वो पंडाल में आकर बैठ जाते हैं, दरबार में आकर बैठ जाते हैं, इस सामूहिक अर्जी के उपाय को कोई भी करता है, लहसुन प्याज मांस मदरा बंद कर देता है, महीने में एक बार, दो महीने में एक बार धाम की पेशी करना प्रारंभ कर देता है, तो बिना पर्चा बने ही कृपा हो जाती है और काम सफल हो जाता है, अर्जी स्वीकार हो जाती है और बालाजी की सेना घर पर आती है। आप जो भी अर्जी लेकर आए हो, मन ही मन तीन बार अपनी अर्जी को बोलो, ओम। ओम ओम कहो, हे बालाजी, हे सन्यासी बाबा, हमारी
यह अर्जी स्वीकार करो। आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। धीरे धीरे अपने नेत्र खोल लो। दाहिने हाथ की मुट्ठी का सीधा उतारा शीर्ष 7 बार करो और बालाजी के चरणों की तरफ छोड़ दो। बाएं हाथ की मुट्ठी का उल्टा उतारा करो एंटी क्लॉक में शीर्ष 7 बार, इसे भी बालाजी के चरणों की तरफ छोड़ दो। दोनों हाथों को आपस में मलो, बोलो ओम बागेश्वराय नमः, ओम बागेश्वराय नमः, ओम बागेश्वराय नमः। एक बार नेत्रों में लगा लो, शरीर में जहां पीड़ा वहां स्पर्श करा लो। जो खड़े हैं 2 मिनट के लिए बैठ जाओ। अब दोनों हाथ उठाकर बोलो बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की। जिनके पर्चा नहीं बन पाए, घर पे बीमारी है, दवा काम नहीं कर रही, उपाय सुनो। नारियल घर पे बांध दो लाल रंग के कपड़ा में। एक चौपाई नोट कर लो, चौपाई बड़ी पावरफुल है हनुमान चालीसा की। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। बोलो नासे, इस चौपाई को 108 बार बोलो घर पर, और कटोरी भर गंगा जल रखकर उसमें फूंक लगाकर रोगी को 40 दिन पिलाना प्रारंभ कर दो। महीने में एक बार बागेश्वर धाम की पेशी करना प्रारंभ कर दो। बिना मिले ही आपका काम सफल हो जाएगा, रोगी स्वस्थ होने लगेगा। नियम जारी रखना, भगवान का भजन करना। जितने भी युवान भाई बहन आए, भावपूर्वक हमारी प्रार्थना है कि तुम नाम जप करो, पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करो। संसार में कुछ भी असंभव नहीं है, जाओ तुम भी सफल होगे।